वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कुछ दिन पहला एक भैन वालों एक सवाल पूछा गया सी भी कई बार सानू अजिहा देखण विच आउंदा है भी कई सिख संगत शरदा वस जां भावना वस हो के अपने घर तो नंगे पैरी चल के वो गुरद्वारा साहब जाते हैं कि नंगे पैरी घर तो चल के गुरद्वारा साहब आना भी अजिहा कर्म करना कि गुरमत है या फिर मनमत है? कि अजिहा सानू शरदा वस करना चाहिए है, अजिहा कर्म करन दा कि सानू बहुत ज़्यादा वड्डा फल प्राप्त होगा या फिर नहीं होगा? तो सत्संग जी अज दे इस प्रोग्राम विच मैं आप समूह संगत दे नाल इसे ही विषय ते इसे ही टॉपिक ते कुछ कु विचार साझिया करन जा रहे हैं। तो मैं आप समूह संगत को बेनती करना चाहाँगा अज दे इस प्रोग्राम में शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो ते होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो सत्संगत जीओ, सब तो पहली बेनती इनू सुनो ध्यान दे नाल। मैं हमेशा आप जी दे चरणों विच ये बेनती करदा हुंदा हाँ भी देखो, गुरबाणी दे प्रति, गुरु दे प्रति, अकाल पुरख परमेश्वर दे प्रति, धर्म दे प्रति साडी श्रद्धा होनी, भावना होनी ये लाजमी है, ये जरूरी है। पर जिथे साडे मना विच गुरु प्रति, गुरद्वारा साहिब प्रति, धर्म प्रति श्रद्धा होनी चाहीदी, भावना होनी चाहीदी है, उत्थे श्रद्धा भावना दे नाल नाल साडे पास गुरु दा बख्शिश कीता होया गुरमत दा ज्ञान भी होना चाहिए, जाने कि असी ज्ञानी भी होइए, श्रद्धा भी होवे, ज्ञान भी गुरु दा होवे साडे कोल। क्योंकि सतसंगत जी आप जी ने देखा होगा भी वाकई ही बहुत सिख संगतां अजिहियां हन जिहड़ियां अपने घर तो चल के नंगे पैरी गुरुद्वारा साहिब जांदियां हन। हाँ, हो सकता है भी अजिहा कर्म वो श्रद्धा वस करते हो, जां फिर किते ना किते उन्हां दे मन विच ये गल होवे भी जेकर मैं नंगे पैरी घर तो चल के गुरद्वारा साहिब जावांगी, गुरु पास जावांगी जां जावांगा तो इस कर्म करन दे नाल मैनूं जिहड़ा है गुरु पासों वड्डा फल प्राप्त होवेगा। पर मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा भी भाई, जिस गुरु पास असीं घर तो चल के नंगे पैरी गुरद्वारा साहिब जाना है, उस गुरु साहिब की पावन बाणी नूं तुसीं किते पढ़ के वेखो। गुरु साहिब जी की पावन अमृतमी बाणी दे विच बकायदा गुरु साहिब सानू गुरु नानक पातशाह जी सतसंगत अजिहा कर्म करन तों सानू वर्जित करदे आ, सानू रोकदे आ, इह सानू ज्ञान दिंदे आ असीं दूर क्यों जाइए। आसा की वार की पावन बाणी का असी गुरद्वारा साहिब कीर्तन सुनते हैं ना जी, तो गुरबाणी का पाठ भी करते हाँ। आसा की वार की पावन बाणी च गुरु नानक पातशाह जी बख्शिश करदे आ फरमाउंदे आ भी पग उपे ताणा अपना किया कमाणा अलमल खाई सिर शाही पाई मूरख अंधै पत गवाई बिन नावै किच थाए ना पाई। पग उपे ताणा, पग उपे ताणा का अर्थ आ नंगे पैरी रहना। हुण तुसी आप इस गुरबाणी पंक्ति दे अर्थ करके देख लो, गुरु साहिब कहिंदे आ भी पग उपे ताणा भी नंगे फैरी फिरना, इस ढंग तरीके दा कर्म करना जिहड़ा है ये अपने वल्लों शरीरक रूप दे विच दुख सहेड़न वाली गल है, पर जिहड़ा अजिहा कर्म है ये अकाल पुरख परमेश्वर दे घर विच प्रवान नहीं है। क्योंकि विन नावै किच थाए ना पाई, परमेश्वर दे घर विच केवल तो केवल प्रभु के नाम की ही गल चलती है। जेकर असी गुरु साहब के दर से प्रवान होना चाहते हाँ तो सानू साध संगत जी अजिहे मनमती कर्मां छड के भी नंगे पैरी चल के असी गुरुद्वारे जाइए, अजिहे मनमती कर्मां छड के सानू प्रभु के नाम का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि बिन नावै किच थाए ना पाई, हर बिन अवर क्रिया बिरथे जब तब संजम कर्म कमाने ए औरै मूसे। गुरु अर्जन पातशाह जी ने भी इस गल की सानू हदायत दी आ भी हरी प्रभु के नाम तो बिना शरीर नू तपाउण वाले कर्म, इंद्रियां नू साधन वाले कर्म, जिहड़े कर्म जोगी लोग करदे सी ओ कर्म जिहड़े हन ओ कर्म जिहड़े आ प्रभु के नाम तो बिना करने ओ बिल्कुल व्यर्थ हन। जाने कि प्रभु के नाम की महिमा है भाई, गुरबाणी दी विचार दी महिमा है, ना कि सत्संगत नंगे पैरी चल के गुरुद्वारे
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਓਗੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਢਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣ ਥੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੁਚੀਲ ਕਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੁਬੱਚੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।